ये बेस ट्यूब है सेलकोन की, ये अपनी सेलकोन की 8 इंच की बेस ट्यूब है और यहाँ पे देखिए कितना हैवी सबवूफर लगा हुआ है। यहाँ पे हम ये रिपेयर होने के लिए आया है, ठीक है। इसमें यहाँ पर बेस ट्यूब भी लगा हुआ है ये सेलकोन का, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप सारा सिस्टम है। तो इसमें दिक्कत ये है कि वोल्टेज लो हो जा रही थी और फर 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 आवाज़ आ रही थी इसके अंदर से। तो इसको हम अभी खोल के चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या समस्या है, तो इसको हम अभी ठीक करेंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले भाइयों, ठीक है। तो इसको हम पहले खोलेंगे दोस्तों, यहाँ से पहले एम्पलीफायर हम इसको खोल के चेक करेंगे कि शॉर्टिंग तो नहीं है कोई इसके अंदर। पहले हम यहाँ के सारे स्क्रू निकाल लेंगे, जितने भी पेचे इन पेचों को खोलें। अभी ये गारंटी में है, अगर कोई की दिक्कत होती है तो हम इसे ले आके वापसी करा देंगे अभी, ठीक है। सेलकोन से हमने ये लिया है, अभी ये वारंटी में है, तो इसको हम अभी चेंज करा देंगे अभी, ठीक है, चेक करके। तो इसको पहले हम खोलते हैं। तो दोस्तों हमने इसके सारे पेच खोल लिए यहाँ पर, और अब हम इसको जो है आराम से इस तरीके से निकालेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक्यूरेट साइज़ का ही होता है, यहाँ पे हम देखेंगे इसकी वायरिंग तो एकदम ठीक हो रखी है दोस्तों, ठीक है। एम अंदर से भी कुछ इस टाइप का एम्प है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, इसको खोल के ट्रांजिस्टर को, इसमें से कोई उड़ा तो नहीं है। इस ट्रांजिस्टर को खोल के देखेंगे, तो दोस्तों इस पत्ते को हम खोलेंगे, इस पत्ते को खोल के देखेंगे कि ये शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर ये शॉर्टिंग होगा तभी ये दिक्कत आती है दोस्तों, वोल्टेज डाउन हो जाती है, ये फट जाते हैं तभी दिक्कत होती है ऐसी, ठीक है। तो आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी से लगा पड़ा है, ठीक है। इसको हम पहले क्लियर करेंगे यहाँ पर फॉल्ट को। तो दोस्तों जिसमें जो मॉस्फेट लगे होते हैं, मैं वो उसका मॉडल दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो आने वाले टाइम पे, ठीक है भाइयों। ये इसका मॉडल है, आप लोगों को शो हो रहा होगा ये, मैं पास से दिखाता हूँ। तो ये इसका मॉडल है दोस्तों, ये इसका मॉडल है दोस्तों, अब आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यही इसमें दो मॉस्फेट लगे पड़े हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम इसको जो है इसमें देखिए मैग्नेट सबवूफर भी देखिए कितना हैवी लगा हुआ है, ठीक है। 120 का मैग्नेट का है ये सबवूफर, और इसमें जो है अब हम इसे एम्पलीफायर से चेक करेंगे कि इसमें सबवूफर में दिक्कत है या इसमें दिक्कत है। इसमें दिक्कत तो नहीं है, इसको हम ऐसे ही लगा देंगे वापसी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, दिक्कत है तो सिर्फ सबवूफर में, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसको चेक करके फॉल्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरे एम्पलीफायर से हम उसको चेक करते हैं, फिर हम आप लोग को वो दिखाते हैं पूरा रीज़न, ठीक है, फिर बताते हैं आगे। तो दोस्तों ये है सेलकोन की बेस ट्यूब, और ये हमारे मोनू भाई, इनकी ये बेस ट्यूब है, और ये इनकी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अब दिखाएंगे आप लोगों को 8 इंच की पावरफुल बेस ट्यूब, ठीक है, सेलकोन ब्रांड की। तो जिस भाई को ये चाहिए वो हमसे व्हाट्सअप पे, ये नंबर शो हो रहा होगा, इसी नंबर पे ऑर्डर दे के मंगवा सकते हैं, ठीक है। और सामने से कुछ ये लुक है बेस ट्यूब का, ये गारंटी में होता है दोस्तों, ये गारंटी में माल मिलेगा आपको, ठीक है। 3 महीने की वारंटी गारंटी होगी आपकी, जो भी दिक्कत अगर होती है इसमें चेंज करके आपको जो है दूसरा दिया जाएगा सामान, ठीक है। अब तो ये देखो, अभी ये पन्नी खोल दिया, टेप निकाल दिया, ये हमारी न्यू बेस ट्यूब,
यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग, चेक नहीं कर रहा यार तूने बजा के। ये टेस्टेड होता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से पैकिंग आती है इसकी। ये लो बॉक्स उठा लेते हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसका एम्प लगा होगा 12 वोल्ट का, ठीक है। और ये अपनी सेलकोन का यहाँ पे ब्रांडिंग है। और यहाँ पर जो है 8 इंच का बेस लगा हुआ है, 8 इंच का सबवूफर। पल्ली हटा के पल्ली निकाल के तब दिखाते हैं आप लोगों को एकदम क्लियर तरीके से। ये पन्नी अब हटा दी है दोस्तों, ये देखिए, ये रहा आपका बेस टू, ये आपका सबवूफर है 8 इंच का, ठीक है। और ये आपकी जो है ये बेस है, बेस टू एम्प जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑडियो इनपुट होगी, यहाँ पे आउटपुट होगी, यहाँ पे 12 वोल्ट पावर की देनी है, ठीक है। डायरेक्ट देने ना यहाँ पर। हाँ, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसी मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले भाइयों, ठीक है। मिलते हैं इसकी वायरिंग वाली वीडियो में अगली वीडियो में, ठीक है।